नमस्कार दोस्तों, विंटेज ऑडियो मेमोरीज़ में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक FLD डेक दोस्तों। ये यॉर्क कंपनी का है और मॉडल नंबर है DS9007। दोस्तों ये जो कैसेट प्लेयर है ये यूज्ड तो नहीं है, लेकिन पुराने समय से एक दुकान में रखे रखे थोड़ी सी कंडीशन डाउन हो गई है। फ्रंट तो एकदम अच्छा है, बैक साइड में थोड़ा सा जो कलर है वो फेड हो गया है दोस्तों। बाकी इसका जो मैकेनिज्म है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है कैसेट प्लेयर में, वो बहुत अच्छी कंडीशन में एकदम नया है। तो कोई भी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। और इसमें एक ख़ास बात है दोस्तों, इसके इंटरफेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक FLD डेक लगा हुआ है। ये इंटरफेस आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड, प्ले, स्टॉप, इजेक्ट और पॉज। यहाँ पर 3 सेलेक्टर स्विच हैं, जो पहला टेप और ऑक्स के लिए हैं, और दूसरा दोस्तों ये लाउडनेस का है, और ये मेन पावर ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पर एक माइक का जैक भी मिल जाता है दोस्तों। टेप और रॉक्स का मैं बता दूं, जैसा कि अक्सर ये कैसेट प्लेयर में होता है कि बटन तो है, ये सेलेक्टर स्विच है, लेकिन ऑक्स का सॉकेट नहीं रहता। तो इसमें भी ऑक्स का सॉकेट नहीं है। अगर आपको इसे ऑक्स से यूज़ करना है तो वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों, इसके एम्पलीफायर सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो 4440 IEC में है ये। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 टोन कंट्रोल, जो अक्सर देखे जाते हैं इस तरह के कैसेट प्लेयर में। एक लेफ़्ट और राइट के लिए वॉल्यूम, और उसी तरह से बेस और ट्रेबल, ये लेफ़्ट के लिए राइट के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं LED इसमें इंडिकेटर है, और बीच में जो देख रहे हैं आप, ये घड़ी है दोस्तों। ये एक एनालॉग घड़ी है, और इसके लिए अलग से बैटरी लगानी पड़ती है अंदर। वो बैटरी लगाएंगे तो ये चालू है, एकदम पूरा चलता है घड़ी, वर्किंग कंडीशन में है। और दोस्तों बैक साइड से भी हम देखेंगे इसे। उससे पहले मैं आपको पावर ऑन करके और इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग हम कर लेते हैं। प्ले करते हैं। दोस्तों कॉपीराइट की वजह से ज़्यादा देर हिंदी गाना नहीं चला सकते, ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। प्ले करता हूँ फिर से। रिवाइंड। दोस्तों इसका हिंदी गाने का पूरा टेस्टिंग वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए इसे बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो मैं बात कर रहा था कि इसका कलर जो वो पेंट फेड हो गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये है दोस्तों इसका बैक साइड, आप देख सकते हैं यॉर्क की ब्रांडिंग, और यहाँ पावर कोड और DC का सॉकेट 12 वोल्ट DC सप्लाई के लिए, स्पीकर सॉकेट 2 चैनल, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। कुछ दोस्तों प्रिंट चला गया है, मिट गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये इसमें हानि हुई है रखे रहने की वजह से। बाकी दोस्तों ये यॉर्क का ओरिजिनल मेड इन इंडिया पीस है, और इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपये है, मात्र 2000 रुपीज़। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसका जो FLD मैकेनिज्म है वो एकदम बेहतरीन कंडीशन में है। आप अगर इसे परचेज़ करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी मैकेनिज्म की तरफ से तो नहीं आने वाली। और जो दूसरे कंट्रोल हैं दोस्तों, जैसे कि टोन कंट्रोल्स और ये सब चीज़ें, स्पीकर सॉकेट वगैरह, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। अगर आप कोई भी कैसेट प्लेयर परचेज करते हैं किसी भी चैनल से, और ये सब आपको चेंज कराना पड़ता है, तो ये मात्र 10 या 20 रुपये में आराम से ये सॉकेट मिल जाता है लोकल मार्केट में या ऑनलाइन भी। तो दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो मैकेनिज्म है, और वो इस कैसेट प्लेयर का बहुत अच्छा है। तो प्राइस जैसा कि मैंने बताया आपको, 2000 रुपये, 2000 रुपीज़।
और इसका टेस्टिंग वीडियो के लिए या इसे परचेज़ करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।